हमारी जो मेट्रो है कितने समय में हमको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या दूसरे से तीसरे स्टेशन पहुंचाएगी, वो उसी समय निकलेगा। और मेट्रो का भी एक समय निर्धारित है कि उसी समय वो चलेगी, चाहे पैसेंजर उसको मिले और या ना मिले। तो इससे ये अच्छी रहेगी चीज़ें कि ना तो कोई हमें भीड़ भाड़ की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा और ना ही हमें कोई टाइम किल करना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर वो कोई हमें सवारी नहीं मिल रही है तो हम वेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबके टाइम निश्चिंत होंगे कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर हम बात करें कि अगर एक IIT से लेकर अगर कल्याणपुर की बात करें तो बशर्ते मुश्किल से 1 या 2 मिनट का सफ़र होगा और IIT से आदमी कल्याणपुर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मोतीझील तक की बात करते हैं या स्वरूप नगर तक की बात करते हैं IIT से, तो मुश्किल अगर वो कंटिन्यू हर स्टेशन पे भी अगर रुकती है, आधा मिनट के लिए भी अगर रुकती है, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 मिनट में वो दूरी को तय कर लेगी, क्योंकि स्पीड भी बहुत अच्छी है और आदमी भी अपने समय से वहाँ पे पहुँच सकता है। फिलहाल अभी काम